सीएम केसीआर ने घोषणा की है, अनाज को चावल और तेल जैसे विभिन्न उत्पादों में बदलने के लिए जिला स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाएंगे। अनाज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंचे प्रदेश के किसान अपने उत्पादों को विश्व बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के स्तर तक ले जाएंगे। इस हद तक सीएम ने खुलासा किया, नागरिक आपूर्ति निगम के तहत चावल मिलों की स्थापना की जाएगी। भविष्य में चावल के दाने से बने विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग के अनुरूप बाजार का विस्तार करने की जिम्मेदारी निगम की होगी। प्रदेश के दशक उत्सव के सौगात के रूप में किसानों के हाथों राइस मिलों से जुड़कर फसल की मांग बढ़ाने के कई निर्णय लिए गए हैं। 2000 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री जल्द ही शुभारंभ करेंगे। केसीआर ने इस हद तक चावल की प्रक्रिया करने वाली विश्व प्रसिद्ध जापानी राइस मिल कंपनी सटेक कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। बाद में नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर, रेतुबंधु समिति अध्यक्ष पल्ला राजेश्वर रेड्डी व अध्यक्ष रविंदर सिंह ने अन्य उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा की। केसीआर ने मंत्री गंगुला कमलाकर को किसानों के लाभ के लिए और योजनाएं तैयार करने और चावल मिलों की स्थापना के संदर्भ में अधिकारियों और कर्मचारियों को और अधिक जिम्मेदारियां लेने के आदेश दिए। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अधिकारियों के साथ कोल्लूर में सीएम डबल बेडरूम हाउस के उद्घाटन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसे शुरू करने के लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने रूट मैप पर चर्चा की और कई सुझाव दिए हैं। राज्य के सड़क और भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए कोल्लूर में बनाए गए 15,600 हाउस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन इस महीने कल सीएम केसीआर के हाथों होगा। कोल्लूर डबल बेडरूम हाउस एशिया में सबसे बड़ा आवासीय परिसर होगा और एशियाई मॉडल के रूप में खड़ा होगा। नगर मंत्री केटीआर ने कहा, केटीआर की विशेष पहल से ही इन ढांचों को सभी सुविधाओं के साथ पूरा किया गया है। गरीबों के स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में डबल बेडरूम के मकान बन रहे हैं। सीएम केसीआर कल सुबह 10 बजे कुल्लूर आवास परिसर का उद्घाटन करेंगे। केसीआर सरकार की ओर से गरीबों को 100% सब्सिडी के साथ घर पूरी तरह से मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर तिग्गुला पद्मराव गौड़ ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों को बहुत महत्व दे रही है और वे इन दोनों क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं और सिकंदराबाद में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर पद्मराव गौड़ ने तेलंगाना राज्य दशक समारोह के हिस्से के रूप में शिक्षा दिवस मनाने के लिए अड्डागुट्टा गवर्नमेंट हाई स्कूल, लालापेट प्राइमरी स्कूल और लालापेट हाई स्कूल का दौरा किया। उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण किया। पद्मराव गौड़ ने कहा, मना बस्ती मना बड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में 10 सरकारी स्कूलों को नई सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री गंगुला कमलाकर ने कांग्रेस नेता पूनम प्रभाकर के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मंत्री ने आलोचना करते हुए कहा, लोग उन्हें एक पुराने नेता के रूप में भूल गए हैं। उन्होंने करीमनगर में कांग्रेस की स्थिति कमजोर बनाने के लिए पूनम प्रभाकर को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, वे अपने ही मंडल में कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिता सके। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह के दौरान छठी कक्षा के छात्र की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हुई। इस घटना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बीआरएस सरकार सिर्फ लोगों की सूद अदा करने के लिए दशक समारोह का आयोजन कर रही है। पंडित संजय ने छात्र के परिवार के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह के दौरान कमलापुर मंडल के मारपल्ली गुड़म में छठी कक्षा के छात्र इनुगला धनुष की मौत स्तब्ध कर देने वाली है। वह पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस मौत के लिए स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को दशक समारोह में लाने वाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। क्या बीआरएस सरकार लोगों को खुश करने के लिए दशक समारोह आयोजित कर रही है? उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, इन उत्सवों में भाग लेने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव डाल रही है और छात्रों को भाग लेने के लिए मजबूर कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी आज पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के घर जाएंगे। रेवंत रेड्डी दोपहर 2 बजे पोंगुलेटी के आवास पर जूपल्ली पोंगुलेटी और उनके अनुयायियों के साथ बैठक करेंगे। वह आधिकारिक तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और जूपल्ली कृष्णाराव ने पहले ही अपनी
अनुयायियों को सूचित कर दिया है। पोंगोलेटी के साथ ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व विधायक और अन्य नेता भी रेवंत रेड्डी की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका दौरे से लौट रहे कांग्रेस के शीर्ष नेता कल दिल्ली आएंगे। रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद ऐसा लगता है पोंगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी और जुपल्ली कृष्णाराव आधिकारिक रूप से घोषणा करेंगे वे कांग्रेस में शामिल होंगे। ऐसा लगता है पोंगोलेटी और जुपल्ली के साथ दो MLC इस महीने की 23 तारीख को दिल्ली में राहुल गांधी से मिल सकते हैं। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह का जोर शोर के साथ आयोजन किया जा रहा है। हर रोज एक एक क्षेत्र को लेकर पिछले 9 सालों राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है राज्य सरकार ने तेलंगाना बनने के बाद क्या विकास किया है, सामाजिक क्षेत्र में क्या कल्याण किया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष राज्य सरकार के असफलता पर लोगों में प्रचार कर रहे हैं। सच्चा प्रशासक और नेता वही होता है जो विकास के मार्ग पर कल्याण का रथ चलाता है। संघर्ष के बाद तेलंगाना राज्य का गठन होने के बाद मुख्यमंत्री KCR ने राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु कई योजनाओं को अमल में लाया है। इनमें मुख्य तौर पर रेतु बंधु, दलित बंधु, रेतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, मिशन भगीरथ, कालेश्वरम परियोजना व अन्य शामिल है। मिशन भगीरथ योजना के अंतर्गत गांव-गांव में शुद्ध पानी का पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब पिछड़े तबके वर्ग की लड़कियों की शादियां योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के विकास को अग्रणी बनाकर तेलंगाना को राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श मॉडल बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं की सफलता को लेकर समय समय पर समीक्षा की जा रही है। आर्थिक पिछड़े तबके वर्ग व किसानों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य का विकास निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक नई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। सैकड़ों योजनाएं, लाखों लाभार्थी, करोड़ों रुपए, इसने कल्याण की एक नई क्रांति का सहयोगी बनाया है। प्रदेश में लागू होने वाली हर योजना के पीछे एक बौद्धिक मंथन, एक लंबी चर्चा और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य होता है। नौ साल पुराने राज्य में हो रहे चमत्कार अन्य राज्यों के लिए आंखें खोलने वाले हैं। यहाँ तक संयुक्त राज्य ने भी यही का योजना की तारीफ करते हुए इसे अद्भुत बताया है। यह पूरे भारत को सिखाता है धन का सृजन कैसे किया जाए और उसका वितरण कैसे किया जाए। यह उन योजनाओं का संग्रह है जो KCR सरकार तेलंगाना के लोगों को दे रही है। HCA की एकल सदस्य समिति के प्रमुख जस्टिस नागेश्वर राव ने जूम मीटिंग के दौरान HCA में समस्याओं पर क्लबों के विचार जाने। VH ने अंबरपेट क्रिकेट क्लब में धोखाधड़ी होने की बात कर रोष व्यक्त किया है। अंबरपेट क्रिकेट क्लब को नगरपालिका के रूप में अस्तित्व में आने के समय से ही निगम को भूमि आवंटित की गई है। VH ने पूछा, अंबरपेट क्रिकेट क्लब क्या फ्रॉड हुआ है? वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्लब की समस्याएं सुनेंगे तो क्या जानेंगे। उन्होंने कहा, अगर आप HCA में आकर क्लबों से बात करेंगे तो आपको समस्याएं पता चल जाएंगी। HCA के मुद्दों को जूम मीटिंग के जरिए सुलझाया जाएगा। पूर्व मंत्री देवेंद्र गौड़ के परिवार ने राजश्यामला यज्ञम की शुरुआत इस इरादे से की है, लोग आध्यात्मिक और स्वस्थ रहे। कल से 25 तारीख 5 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ के लिए तुकुगुड़ा नगर पालिका के अंतर्गत श्रीनगर गांव में व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में अधिक प्रदान की जाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता तुल्ला वीरेंद्र गौड़ ने कहा, राजश्यामला यज्ञम से समाज की स्थिति बेहतर रहेगी, न केवल सभी स्वस्थ रहेंगे बल्कि सभी का भला होगा। उन्होंने कहा, मशहूर हस्तियों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता तुल्ला वीरेंद्र गौड़ ने रूबरू के दौरान कहा, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आमंत्रित करना चाहते हैं। DGP अंजनी कुमार ने कहा, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चुनाव आचार संहिता, आबकारी अधिनियम, नगर पुलिस अधिनियम आदि के क्रियान्वयन कानूनों की पूरी जानकारी लेने के लिए पहली बार कार्यशाला आयोजित की जा रही है। DGP ने कहा, केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ दिनों में हैदराबाद का दौरा करेगा और इस मौके पर जिला चुनाव अधिकारियों, राज्य और केंद्रीय स्तर की एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। is visiting
Hyderabad. They will be meeting all of you along with the district collectors. They will also be meeting the central agencies, banks, RBI and other agencies who are associated with election. So I expect each one of you to be very fully prepared, not only with regard to your district profile, not only with regard to what happened in 2018 election, 2019 election. Apart from that, the entire profile of the district, the vulnerability mapping and other things associated with it, be thorough with that. Whether it is the Constitution of India, Article 324, 326, whether it is Representative of People's Act 1951, the Excise Act, the Arms Act, City Police Act, Town Nuisance Act, Prevention of Defacement of Public Property Act, all those things, apart from the security sections for binding over under good behavior and all, you should be thorough with that. राज्य बीसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णमोहन राव ने कहा, तेलंगाना सरकार को देश के इतिहास में बीसी को विशिष्ट योजनाएं और कल्याण निधि आवंटित करने का श्रेय जाता है। नेशनल बीसी दल के अध्यक्ष दुंडरा कुमार स्वामी ने तेलंगाना बीसी कास्ट फेडरेशन समिति के तत्वावधान में सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एमलाइड महिलाओं और एमबीसी जातियों के प्रतिनिधियों के अभिनंदन आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया। कुमार स्वामी ने कहा, तेलंगाना सरकार एमबीसी जातियों को 1,00,000 रुपये देना वाकई बहुत बड़ी बात है। दुंडरा कुमार स्वामी ने कहा, बीसी हमेशा राज्य सरकार के ऋणी रहेंगे जिन्होंने उन्हें हर चीज मुहैया कराई है। जातिगत पेशा करने वालों को 1,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा करना बहुत अच्छा निर्णय है जो देश के किसी अन्य राज्य में नहीं मिलता है। सीएम केसीआर द्वारा लिए गए फैसले पर सभी समुदायों ने खुशी जाहिर की है। यह निर्णय व्यवसायों के विकास और रोजगार की उन्नति में बहुत योगदान देगा। आधुनिक तकनीकी के चलते कई क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो गई है। कठिन कार्य आसानी से होने लगे हैं। दूरी कितनी भी हो, आधुनिक तकनीकी के कारण नजदीकियां बढ़ गई है। सुविधा के साथ धोखाधड़ी, ठगी व अन्य आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ गई है। पैसों का लेन देन करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाने लगा है। लोग अब बैंक गए बिना ही कहीं से भी कभी भी लेन देन कर ले रहे हैं। डिजिटल भुगतान की सुविधा में एक क्रांति है। इस पृष्ठभूमि में एक नजर यूपीआई के जरिए किए जा रहे फ्रॉड पर भी डालिए। साइबर अपराधी यूपीआई का इस्तेमाल कर ठगी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है, साल 2020-21 में 77,000 यूपीआई फ्रॉड सामने आए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह संख्या 84,000 हो गई है। यह संख्या बताती है इस तरह के फ्रॉड कम नहीं बल्कि बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी यूपीआई का इस्तेमाल कर ठगी कर रहे हैं। केंद्र सरकार, नोटबंदी और कोविड महामारी ने लोगों को डिजिटल लेन देन की ओर मोड़ दिया है। चाय पीने वाले रिटेल से लेकर हजारों की ऑनलाइन शॉपिंग तक सब कुछ यूपीआई से हो रहा है। जैसे जैसे भुगतान की गति बढ़ी, वैसे वैसे ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ने लगे। यूपीआई स्कैम, व्हाट्सएप स्कैम और पार्ट टाइम जॉब स्कैम की तरह सामने आए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022-23 में यूपीआई फ्रॉड के 95,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों कई लोगों ने पुलिस के पास यह कहते हुए संपर्क किया कि उनके पैसे और गहने खो गए। अब ऑनलाइन खोए हुए पैसे के मामले दर्ज करने वाले की संख्या में वृद्धि हुई है। इन मामलों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि अधिक लोग विशेष रूप से कोविड के बाद ऑनलाइन लेन देन करने में रुचि दिखा रहे हैं। पुलिस मुख्य रूप से यूपीआई लेन देन धोखाधड़ी के कुछ कारण बताती है। यानी सबसे पहले स्कैमर से पीड़ितों को रिमोट असिस्टेंस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बरगलाते हैं। इससे फोन की सारी जानकारी उनके कब्जे में चली जाती है। जल्दी हैकर्स अपना काम शुरू कर देते हैं और ई वॉन्ट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ऐसे मामले में स्कैमर्स पीड़ितों को कस्टमर केयर प्रतिनिधि के रूप में अपना परिचय देते हैं। उन्हें तुरंत ई के वॉइस पूरा करने की जल्दी है, नहीं तो वॉलेट काम नहीं करेगा।
कुछ अन्य मामलों में आधार पैन लिंकेज को लेकर बदनामी की जा रही है। साइबर जालासाज पूरी जानकारी देने के बाद थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजते हैं। एक बार ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद वॉलेट में मजबूत रकम चोरी हो जाती है। इस सिस्टम में अपराधी पहले पीड़ित के यूपीआई खाते में कुछ रकम ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद फोन कर कहते हैं कि गलती से पैसे भेज दिए। उनका कहना है कि उसे पैसे में से जरूरी काम है और वे इसे वापस भेजने का अनुरोध करते हैं। पीड़ित के ओके कहने पर साइबर अपराधी रिफंड के नाम पर दूसरा लिंक भेजेंगे। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो जालसाज पीड़ित का फोन अपने हाथ में ले लेते हैं और वॉलेट और बैंक खाते से पूरे पैसे चुरा लेते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अन्य तकनीकी क्यूआर कोड है। इस प्रणाली में पीड़ित को एक अनुरोध संदेश भेजा जाता है कि क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा प्राप्त हो गया है। एक बार क्यूआर कोड स्कैन हो जाने और यूपीआई पिन डालने के बाद पीड़ित के खाते से पैसा निकाला जाता है। यूपीआई लेन देन वास्तव में बहुत सुरक्षित है। स्कैमर्स तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक ओटीपी और यूपीआई पिन डिटेल्स नहीं दी जाती। यूपीआई घोटाला का शिकार होने से बचने के लिए अगर कोई गलती से पैसे भेज देता है और तुरंत पैसे वापस करने के लिए दूसरा लिंक भेजा जाता है तो उस पर क्लिक ना करें। यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति को फोन नंबर लेना चाहिए और लेन देन पूरा कर लेना चाहिए। यूपीआई पिन एटीएम पिन की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे किसी भी सूरत में दूसरों के साथ शेयर ना करें। अपने परिचितों के कस्टमर के प्रतिनिधियों, दोस्तों या रिश्तेदारों पर टेक्स्ट या कॉल करके पैसे मांगने का भरोसा ना करें। पूरी पुष्टि के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। नए प्रकार के ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर नगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। शिव शक्ति ध्यान योग डांस स्टूडियो के तत्वावधान में आयोजित योग उत्सव 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक केपी विवेकानंद ने शिरकत की। केपी विवेकानंद कहते हैं, मानव जीवन में योग का बहुत महत्व है। सभी को योग करना चाहिए और अपना स्वास्थ्य स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रखंड बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष पुप्पला भास्कर, योग शिक्षक मल्लेश पूर्णा, विजय व योग साधकों के समूह ने भाग लिया। तेलंगाना खेल महासंघ के सदस्यों ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सरूर नगर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग खुद को कोविड जैसी महामारी से बचाने, रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और चिंता से निपटने और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत पाने का सटीक तरीका है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा हर साल आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सभी के लिए स्वस्थ जीवन शैली के साथ एक स्वस्थ भारत बनाने के नेक इरादे से सभी के साथ मिलकर मनाया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। घटकेसर बीआरएस पार्टी अध्यक्ष बंडारू श्रीनिवास गौड़ ने कहा, घटकेसर नगरपालिका अध्यक्ष एक तरफा काम कर रहे हैं। मेडचल जिला घटकेसर नगर बीआरएस पार्टी की गुटबाजी दिन ब दिन नया मोड़ लेती जा रही है। कुछ दिनों पहले घटकेसर टाउन के नारायण फंक्शन हॉल में तेलंगाना दशक समारोह के अंतर्गत आयोजित शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नगरपालिका अध्यक्ष पावनी जंगैया यादव और बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष बंडारू श्रीनिवास गौड़ के बीच झड़प हो गई थी। इस मामले को लेकर बंडारू श्रीनिवास गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नगर अध्यक्ष पावनी जंगैया यादव एक तरफा कार्रवाई कर रही है। बंडारू श्रीनिवास गौड़ अपने साथी कॉरपोरेटर का अपमान कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है और उनके वार्डों को धन आवंटित नहीं किया जा रहा है। रात में करीब 50 घरों में चोरी करने वाले रतलावत शंकर नायक को रचकोंडा मलकाजगिरी की एसओटी पुलिस ने मेड़ीपल्ली में गिरफ्तार किया। 8.5 लाख रुपए मूल्य के सोने जेवरात, एक स्कूटी और 2 लाख नकद जब्त कर रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने कहा, नागर कर्नूल जिले के नागरला बंडा तांडा का रतलावत शंकर नायक वर्ष 2012 से रात में चोरी कर रहा है। करीब 50 मामलों में शामिल शंकर नायक ने
हाल ही में मेड़ीपल्ली, कीसरा और संगारेड्डी में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेडचल जिले के मेड़ीपल्ली थाना क्षेत्र से गिरिधर और सुलेखा रानी राम के दो फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया, फर्जी डॉक्टर गिरिधर और सुलेखा रानी एक कपल है। फर्जी डॉक्टरों ने योग्यता न होने के बावजूद हैदराबाद और रचकोंडा कमिश्नरेट के विभिन्न इलाकों में फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर क्लिनिक चलाया है। गिरिधर और सुलेखा रानी एमडी और एमबीबीएस के फर्जी सर्टिफिकेट के साथ डॉक्टर बनकर घूम रहे हैं। मलकाजगिरी एसओटी पुलिस और मेड़ीपल्ली पुलिस ने मिलकर दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया, वे पिछले 25 सालों से अलग अलग जगहों पर क्लिनिक बनाकर फर्जी डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। मेड़ीपल्ली थाने में मलकाजगिरी डीसीपी धारावत जानकी और मलकाजगिरी एसओटी डीसीपी गिरिधर के बीच हुई बैठक के बाद आरोपियों को रिमांड पर ले लिया गया है। राज्य के विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां चुनावी दंगल में उतर चुकी है और जीत को रणनीति व योजना बनाने के साथ साथ एक दूसरे पर कटाक्ष करने से भी पीछे नहीं हट रही है। एक पार्टी कह रही है कि विपक्षी पार्टी के नेता उसके साथ है तो दूसरी उसका जमकर जवाब दे रही है। आइए यहाँ इस विषय पर रोशनी डालते हैं। भाजपा के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष पंडित संजय ने दावा किया है कि 25 भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के विधायक उनके संपर्क में है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर विधायक भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद एक दर्जन कांग्रेस विधायकों के बीआरएस में जाने के स्पष्ट संदर्भ में ट्वीट किया है। बीजेपी बीआरएस की तरह राजनीतिक विषयवृत्ति में शामिल नहीं होती। गौरतलब है कि हाल ही में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने कहा था कि हैदराबाद में भाजपा पार्षद बीआरएस के संपर्क में है। इसी के जवाब में संजय ने कहा कि भाजपा के संपर्क में बीआरएस के 25 विधायक हैं। बंडी संजय ने, जो सांसद भी हैं, ने कहा कि बीजेपी राज्य सरकार की नाकामियों पर सवाल उठा रही है तो बीआरएस बीजेपी की चुनौती दे रही है और इसी तरह उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और इसी के बाद संजय ने भविष्यवाणी करी है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस उम्मीदवारों को 30 विधानसभा क्षेत्रों में तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पोस्टपेड नेता जीतने के बाद शामिल होंगे जबकि प्रोपेड नेता हारने के बाद शामिल होंगे। संजय ने कहा है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए जनता से अपील करता हूं कि वे भाजपा को मौका देंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने तेलंगाना में सड़कों के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करे और 2.5 लाख घरों को मंजूरी दी और रेलवे के लिए 32,000 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं। संजय ने कहा कि बीआरएस के नेता कमीशन और जमीन हड़पने के लिए पार्टी निर्वाचन क्षेत्र कार्यालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा जनता की समस्याओं को हल करने और लोगों की ओर से लड़ने के लिए कार्यालयों का उपयोग कर रही है। आगे संजय ने केसीआर के इस दावे को पूरी तरह से खोखला बताया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि धरनी पोर्टल लोगों की मदद के लिए है। बंडी संजय ने बताया कि धरनी पोर्टल से सिर्फ और सिर्फ केसीआर के परिवार को लाभ हुआ है, जनता को नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि धरनी को केसीआर परिवार द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि को नियमित करने के लिए लाया गया था। उन्होंने टिप्पणी करी है कि धरनी के पीड़ितों के साथ एक जनसभा आयोजित की जा सकती है। संजय ने यह भी कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की कोई उपस्थिति नहीं है। कांग्रेस की विधानसभा उपचुनाव में जमानत तक जब्त करवा दी थी तो ऐसी पार्टी राज्य में एक विकल्प कैसे हो सकती है। संजय ने कहा है कि उनकी पार्टी हिंदुत्व के बारे में बोलना जारी रखेगी। उन्होंने दावा किया है कि यह भाजपा की वजह से है कि कांग्रेस और बीआरएस के नेता भी अब चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाने लगे हैं।